हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको केयरफुल व्हाट यू विश फॉर ये 2015 की एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक स्कूल का लड़का हॉलीडे के लिए अपने लेक हाउस आता है। उसके नेबर में एक मिलीनियर और उसकी वाइफ रहने के लिए आती है। इसके बाद इसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ही मूवी आती है और लास्ट का ट्विस्ट भी माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है डग, ये हमसे बातें कर रहा है। कहता है, बचपन में जब आप होते हो तो आपको अलग अलग चीजें कही जाती है कि लाइफ इजी नहीं है, आपको हमेशा बहुत ही हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ भी मिलता है। फिर डग हमसे कहता है कि समर मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह से वो फील करता है। डग अपने पेरेंट्स के साथ उसके लेक हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए आता है। डग इंटेलिजेंट होता है और हमेशा अपने बुक्स में रहता है। उसके पेरेंट्स उसे सलाह देते हैं कि इस समर तुम जरा एंजॉय करना। डग का एक फ्रेंड भी होता है जो लेक के पास एक बार में काम करता है। डग अपने फ्रेंड से मिलता है। उसका फ्रेंड कहता है कि इस बार समर में बहुत सारी लड़की आई है, हम बहुत मजे कर सकते हैं। ये दोनों इस छुट्टियों को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद हम बार में देखते हैं कि वहाँ एक शेरीफ है। जो शेरीफ है इसे टाउन में सब लोग जानते हैं और ये बहुत ही फ्रेंडली टाइप का भी है। इसे टाउन को सेफ रखना है और टाउन की इज्जत भी मेंटेन रखनी है, इसके लिए वो कुछ भी जरा आउट ऑफ द वे भी जा सकता है, पर फिर भी ओवरऑल ये अच्छा कैरेक्टर होता है। डग के नेबर में एक हाउस है जो अभी खाली है, पर एक दिन डग काम से घर पर आता है तब उस घर पर कोई आए हुए है। एक मिलीनियर जिसका नाम है इलियट और उसकी वाइफ लीना ये घर देख रहे हैं। लीना बहुत ब्यूटीफुल है तो डग अपनी खिड़की से लीना को चेकआउट करता है। लीना को और भी करीब से देखने के लिए डग बाहर आ जाता है और अपनी साइकिल को रिपेयर कर रहा है जब प्रिटेंड करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डग और उसका फ्रेंड एक जगह रेडी करते हैं। वहाँ पर बेड वगैरह वो लगा कर आते हैं, यानी कि लड़कियों के साथ वहाँ हैंग आउट कर सकते हैं। मिलीनियर जिसका नाम था एलियट, जो घर देख रहा था, उसने अब यह घर बाय कर लिया है। डग जब काम से घर आता है तो डग के पेरेंट्स इस मिलीनियर यानी कि एलियट से बातें कर रहे हैं। एलियट ने अभी अभी हाउस बाय किया है तो उससे वो जान पहचान बना रहे हैं। डग भी यहाँ आता है और एलियट से मिलता है। एलियट के पास एक शानदार बोट है। इन्हीं बातों में डग के पेरेंट कहते हैं कि डग को बोट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। एक्चुअली डग के ग्रैंडफादर के पास बहुत बड़ी बोट थी। डग उस बोट को रिपेयर करने में उनकी मदद करता था। इलियट को भी उसके बोट के लिए हेल्प चाहिए तो डग को कहता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, और डग भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह जब डग इस बोट पर काम कर रहा होता है तभी हम वहां लीना देखते हैं। लीना बात कर बाहर आती है और डग उसे चेकआउट करता है। लीना फिर से शावर के लिए वहां जाती है और डग उसे देख सकता है। तभी वहाँ इलियट आता है, डग से पूछता है कि बोट कैसी है। डग कहता है कि इस पर मैं काम कर सकता हूँ। ये दोनों जरा बार्गेन करते हैं और वर्किंग आवर्स और उसका पेमेंट ही डिसाइड करते हैं। अब इलियट एक दो दिनों के लिए बाहर जाने वाला है। वो डग को कहता है कि बोट को लेकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। रात में डग जब अपने रूम में सोया हुआ होता है तब उसे कुछ आवाजें आती है। लीना और इलियट झगड़ रहे हैं और इलियट लीना को मार रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग डग और इलियट फिर से बोट के यहाँ मिलते हैं। जहाँ पर बोट रखी है इस बे पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। विदाउट इलियट की आइडेंटिटी उसे इंटर नहीं होने देता। डग और इलियट जब बोट पर होते हैं तो डग इलियट से पूछता है कि तुम इतने बड़े मिलीनियर हो, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे। इलियट कहता है कि मैं स्टॉक इन्वेस्टर हूँ। जब सब लोगों को लगता है कि इन स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है तब मैं कर डालता हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। डग रूम में होता है और फिर से लीना को घर से बाहर जाते हुए देखता है। थोड़ी देर में लीना की चीख उसे सुनाई देती है। वो जल्दी से भागता है और लीना के पास आता है। लीना की गाड़ी में उसे एक स्पाइडर दिखा था, इसी वजह से वो डर गई थी। डग इस स्पाइडर को निकाल देता है। यहाँ इस सीन में हम देखते हैं कि लीना डग के बहुत ही करीब आ गई थी, ये उससे फ्लर्ट कर रही थी। इसी दिन रात में डग अपने काम से वापस आता है तो लीना उसका बाहर ही वेट कर रही होती है। लीना उसे कहती है उसके घर की उसने चाबी खो दी, इसी वजह से वो अंदर नहीं जा सकती। वो डग से हेल्प मांगती है, डग भी हेल्प करने के लिए चला जाता है। वो अंदर जाने के लिए कुछ भी वे ढूंढ नहीं पा रहा तो इसलिए खिड़की तोड़कर वो अंदर चले जाते हैं। दोनों अंदर आने के बाद लीना उसे बियर ऑफर करती है। डग जब खिड़की से अंदर आ रहा था तो उसे एक चोट लग गई थी। लीना इस चोट को देखती है और उसे साफ वगैरह करती है। लीना डग को कुछ सिग्नल्स देती है तो डग लीना को किस करता है। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये डग का फर्स्ट टाइम था। जब सुबह होती है तो लीना डग से कहती है किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट डे डग जब अपने फ्रेंड के साथ होता है तो उसका फ्रेंड फिर से लड़कियों के बारे में बात करता है, पर डग इस बार इंटरेस्टेड नहीं है। जब डग इलियट के बोर्ड पर काम करता है तो वहां लीना आती है। इस तरह से अपनी रिलेशनशिप वो कंटिन्यू करते हैं। जब इलियट टाउन में वापस आता है तभी वे छुप छुपा कर एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। इलियट जब बोर्ड को देखता है तो डग ने बोर्ड पर सही से काम नहीं किया है, वो उसे बहुत डांटता है।
मेलेट उसे कहता है कि मेरी तरह तुम बनो ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें डांटता हूँ। जब आदमी अच्छा काम करता है और कुछ पा लेता है, उसके बाद आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको कोई अप्रिशिएट करे। वो अब लीना के बारे में बात कर रहा है, उनकी रिलेशनशिप किस तरह से है। इलेट को लगता है कि लीना उसे अप्रिशिएट नहीं करती, इसी वजह से इन दोनों में दरार है। डक को पता है कि इलेट किस बारे में बात कर रहा है। डक कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको अप्रिशिएट करे तो उन्हें भी उस तरह से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। ये कन्वर्सेशन यही एंड हो जाती है। हमें फिर से लीना और डक बेड में दिखते हैं। लीना डक से कहती है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, तुम्हारा यूथ मैं चुरा रही हूँ। डक कहता है कि मैं खुश हूँ, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर डक लीना के पैर पर एक हाफ हार्ट देखता है। इसके बारे में डक उससे पूछता है तो लीना कहती है कि मेरा एक लवर था, उनकी लव स्टोरी कम्प्लीट नहीं हो पाई। ये एक आधा हार्ट है और दूसरा आधा हार्ट उसके लवर के पास है। लीना डक को एक सेलफोन भी देती है। वो एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चले। लीना डक से कहती है कि इलियट बहुत ही डेंजरस आदमी है, हमें बहुत ही छुप कर रहना पड़ेगा। एक दिन इलियट लीना और डक को लेकर बोट पर आता है। लीना बोट का फ्लैप ओपन कर इलियट को मारने की कोशिश भी करती है, पर इलियट इसे नोटिस नहीं करता। जब इलियट जरा बोट में बिजी हो जाता है तो लीना डक से कहती है कि वो अब इलियट के साथ नहीं रह सकती है। लीना के बॉडी पर एक मार्क है जिसका मतलब है इलियट ने उसे बहुत मारा था। रात में लीना डक को हॉस्पिटल बुलाती है। इलेट ने आज उसे बहुत मारा है। डक कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, तुम्हें सब कुछ सही सही बता देना चाहिए। लीना कहती कि मैं नहीं कर सकती, इलेट बहुत ही पावरफुल है और वो कुछ भी करेगा, पर उस पर ही इल्जाम नहीं लिखने देगा। वो जल्द से जल्द इलेट को डिवोर्स देगी, ये डक से कहती है। इलेट अब थोड़े दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाता है। डक ने अपने फ्रेंड के साथ लीना के बारे में बात की थी। डक उसके बाद लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके फ्रेंड को शक जाने लग जाता है कि डक और लीना का कुछ ना कुछ तो है। जब डक घर पर आता है तो वहाँ ऑलरेडी लीना है। डक बहुत ही डर जाता है कि उसके पेरेंट्स भी उसके घर पर ही है। लीना डक से पूछती है, क्या कुछ भी हो जाए तो मेरा साथ तो क्या। डक इस पर हाँ कहता है और लीना उसे बाद में घर पर आने के लिए कहती है। जब डक लीना के घर पर आता है तो वहाँ इलेट की बॉडी पड़ी हुई है। लीना कहती है कि वो मुझे बहुत मार रहा था, इंपल्स में आकर उसके सर पर उसने फायर इंस्टीग्यूशन से हमला किया। डक बहुत ही डर जाता है, वो कहता है पुलिस को हमें ये सब बता देना चाहिए। लीना इसके लिए नहीं मानती, वो कहती है इलियट की फैमिली बहुत ही पावरफुल है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोर्ट में ये बात जाए कि इलियट मुझे मारता था, ये सब ब्लेम वो मुझ पर ही लगा देंगे। डक कहता है कि हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। लीना कहती कि सच कह रहे हो, तुम अभी भी बच्चे ही हो और मैं तुम पर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकती। इसके बाद डक भी इसे कवर करने के लिए मान जाता है। डक लीना से कहता है जिस तरह से सब कुछ चल रहा था इसी तरह से हम नॉर्मल बिहेव करेंगे। डग अपने काम के लिए जाता है, रात में घर पर वापस आता है। वो एक प्लान बनाता है, इलेट की तरह ड्रेसअप करता है और बोट के पास जाता है। बोट जहाँ रखी हुई है वहां में पता है कि एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड है। डग ने इलेट की तरह ही कपड़े पहने हैं तो नोटिस तो करता है पर इसे जाने देता है। इलेट की बॉडी बोट में डग रख देता है, आगे चलकर इस बोट को आग लगाता है और घर पर आ जाता है। नेक्स्ट दिन पुलिस को बॉडी मिलती है और लीना को खबर देने के लिए वो जाते हैं। रात में डग अपने फ्रेंड के साथ बार में काम कर रहा है, वहाँ पुलिस ऑफिसर भी आए हुए हैं, शेरिफ से बात कर रहा होता है। तभी डग को यहाँ पता चलता है कि लीना को इंश्योरेंस से $10 मिलियन मिलने वाले हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंश्योरेंस डिटेक्टिव भी आने वाली है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट डे इंश्योरेंस डिटेक्टिव शेरिफ से मिलती है, इसका पहला ही केस है और ये इनएक्सपीरियंस्ड है, ये शेरिफ तुरंत जान लेता है। शेरिफ सब कोऑपरेशन करने के लिए भी रेडी है। लीना को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। ये डिटेक्टिव लीना से उसकी मैरिज कैसी चल रही थी इसके बारे में पूछती है। लीना ने ही यह सब किया है, इस तरह से डिटेक्टिव इसे इन्वेस्टिगेशन करती है। लीना इस पर चिढ़ जाती है और उसके लॉयर के साथ वो चली जाती है। हमने प्रीवियस में देखा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने नोटिस किया है कि डग इलियट की तरह ड्रेसअप करके जा रहा है। उसे लगा था कि डग इलियट ही है। वो शेरिफ के पास जाता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि उस दिन बोट पर इलियट नहीं था तो और कोई था। शेरिफ और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गार्ड को ले जा रहा होता है। ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं तब वहाँ डग भी है। डग शेरिफ की बात सुन लेता है और सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लग जाता है। ये गार्ड उसे कुछ भी नहीं बताता। शेरिफ यहाँ नोटिस करता है कि डग को सडनली इस केस में क्यों इंटरेस्ट है। नेक्स्ट सीन में शेरिफ और डिटेक्टिव लेडी ये दोनों लीना के घर पर आते हैं। वहां पर कुछ एविडेंस मिल सके इसके लिए ढूंढने लगते हैं। शेरिफ नोटिस करता है कि इस घर से डग का बेडरूम दिखता है, इसका मतलब है डग लीना को देख सकता था। यही घर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए डिटेक्टिव को ब्रोकन खिड़की मिल जाती है। प्रीवियस में हमने देखा है कि डग ने ही ये खिड़की तोड़ी थी और वो इंजोर भी हो चुका था, यानी कि इस खिड़की पर उसका ब्लड है। इसके सैंपल वगैरह वो सब ले लेते हैं।
डक को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस लेकर जाते हैं। डक को इलेट के बारे में पूछते हैं। डक कहता है कि इलेट बहुत सारा ड्रिंक करता था। डिरेटू लीना के बारे में उससे पूछती है। डक लीना के बारे में कुछ ज्यादा बताता नहीं तो डिरेटू कहती है कि अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो तुम पर भी सीरियस चार्जेस लग सकते हैं। डक के पेरेंट यहाँ ऑफेंड हो जाते हैं और डक को लेकर चले जाते हैं। डक को यहाँ पता चलता है कि लीना पुलिस को बता रही थी कि उसे कोई स्टॉक कर रहा था, यानी कि उसका कोई पीछा कर रहा था। डक को फिर लीना उनकी सिगरेट जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। ये वही सिगरेट जगह है जो डक ने और उसके फ्रेंड ने रेडी की थी। डक लीना से पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था। लीना कहती है मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे इसीलिए मैंने कुछ भी बता दिया। लीना डक से कहती है हम दोनों में कोई भी रिलेशनशिप था ये हमें छुपा कर रखना है, इसीलिए उनके सेलफोन वो डग को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है। डग ये सेलफोन इसी घर में छुपा कर रख देता है। डग लीना से पूछता है कि अब हम दोनों का क्या होगा। लीना बोलती है कि अगले साल तुम कॉलेज चले जाओगे, हम दोनों एक साथ तब रह सकते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना है। डिरेक्टिव ने खिड़की से जो ब्लड सैंपल लिया था वो डग से वो मैच करवाना चाहते है। डग के खिलाफ उन्होंने वारंट भी लाया हुआ है। वो उसे पुलिस स्टेशन जब ले जा रहे होते हैं तो डिरेक्टू डग से कहती है कि मुझे पता है कि क्या हुआ है। लीना तुम्हें फंसाना चाहती है, तुम्हारा ब्लड खिड़की से मैच होगा और लीना ने कहा था कि उसका पीछा कोई कर रहा था। इन सब एविडेंस को लेकर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि तुमने ही इलियट को मारा है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम सब कुछ सच बोल दोगे तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। इलियट बहुत ही डर जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अब नहीं आना चाहता। वो डायरेक्टली अपने फ्रेंड के पास आता है, उसे सब कुछ सही सही बोल देता है। उसका फ्रेंड भी इस पर बिलीव करता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारे पास कुछ तो प्रूव होगा कि लीना और तुम में कोई रिलेशनशिप थी। डग को फिर याद आता है कि सेलफोन ही है जो एविडेंस उसके पास है। डग यहाँ से निकल रहा होता है तो वहाँ शेरिफ भी है। शेरिफ डग को बिठाता है और कहता है कि अभी भी तुम्हें कुछ भी कहना हो तो मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। जब डग लीना के साथ था तो वहां के गार्डनर ने इन दोनों को देख लिया था। उस गार्डनर से शेरिफ को सवाल पूछने के लिए वो कहकर चला जाता है। जब शेरिफ और डग बात कर रहे थे तभी शेरिफ ने डग को पानी दिया था। इस ग्लास में से शेरिफ फिंगरप्रिंट्स निकाल लेता है। डग जब घर पर आता है तो उसके पेरेंट्स को लीना की अंडरवेयर डग के पास मिली थी। डग उन्हें सबको सच सच बता देता है। वो कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है। तभी वहां हमें शेरिफ आता हुआ दिखता है। शेरिफ को अभी अभी न्यूज मिली है और विंडो से डग का ब्लड सैंपल मैच किया है। डग डर जाता है और वहां से भागता है। लीना से मिलने के लिए फिर से वो लेक हाउस पर आता है। यहाँ पर वो फोन चेक करता है पर लीना ने ऑलरेडी वो वहां से गायब कर दिए हैं। एक दूसरे से बात कर रहे हैं तभी वहां पुलिस आ जाते हैं। लीना अचानक से अपने कपड़े फाड़ देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि डग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब सब कुछ एविडेंस पुलिस के पास है तो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। डग शेरिफ से कहता है कि मुझ पर बिलीव करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, अगर तुम मुझे कुछ वक्त दोगे तो यह सब मैं प्रूव कर सकता हूँ। शेरिफ भी डग पर बिलीव करता है। शेरिफ फिर प्रिटेंड करता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा था और डग वहां से भाग गया। डग डायरेक्टली लीना जहां पर रह रही है वहां पर पहुंचता है। लीना का सब सामान चेक करता है। लीना के पास अलग अलग आइडेंटिटी के पासपोर्ट्स है। वहां पर उसे फोन भी मिल जाता है। अचानक से वह डिटेक्टिव आती है। डग ये फोन डिटेक्टिव को दे देता है। डिटेक्टिव कहती है कि थैंक यू, तूने मुझे एक बड़ा एविडेंस दे दिया। वो फिर शेरिफ को कॉल लगाती है और डग का है उसकी लोकेशन देती है। डग को हैंडकफ करती है, कहती है कि तुम अभी भी फरार हो, जब तक शेरिफ नहीं आ जाता तुम यही रुकना। जब लीना और डिटेक्टिव वहां से जा रही है तभी डग नोटिस करता है लीना के पैर पर आधा हार्ट था। इसका अलग हार्ट ये डिटेक्टिव के पैर पर है, यानी कि लीना और डिटेक्टिव में इन दोनों में रिलेशनशिप थी। वो सब फिगर आउट करता है तो शुरू से लीना का प्लान था कि वो इलियट को मार देगी और सब इंश्योरेंस के पैसे ले लेगी, इसलिए उसने डग को फ्रेम किया है। डग जो सबूत दे सकता है कि लीना में और उसमें कुछ रिलेशनशिप थी वो सिर्फ फोन है और ये फोन भी अब डिटेक्टिव के पास ही है। वो अब बड़े ट्रबल में है और इसके लिए जेल जाएगा। वो उस हैंडकफ से बाहर निकलने के लिए और लीना और डिटेक्टिव को पकड़ने के लिए बहुत ट्राई करता है पर एक कर नहीं पाता। डिटेक्टिव और लीना आगे जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। जाते जाते लीना फोन उसे देखकर चली जाती है। डिटेक्टिव भी लीना से मिली हुई थी, इसी वजह से लीना को इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाते हैं। जब तक पुलिस डग को लेने के लिए आते हैं तब तक लीना और डिटेक्टिव ये दोनों वहां से अलग कंट्री में भाग चुके हैं। डग गिल्टी नहीं है ये वो फोन से प्रूव कर देता है, पर फिर भी थोड़े दिनों के लिए उसे जेल जाना पड़ता है। फिर से वो अपने घर पर आता है। अब वो हमसे बात कर रहा है। वो हमसे कहता है कि मैं अभी भी लीना को याद करता हूँ। वो हमसे कहता है कि अगर मुझे फिर से सेकंड चांस मिले तो मैं कुछ भी अलग तरीके से नहीं करूंगा। यही मूवी एंड हो जाती है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।